नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना आपका बन जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते, क्या बोल रहा है, द बेस बीसी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा करते चले जाएंगे और बन जाएगा। क्या बोल रहा है, बेस बीसी किस पे लाई कर रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी का बेस जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उस टाइप का कुछ फिगर बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, बेस क्या है बीसी, बीसी क्या कर रहा है, इस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। इसको मान लेते हैं मेरा क्या है, बीसी है। और आगे क्या दिया गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी आर 0-3। सी के बारे में क्या बोला गया है, 0 और -3 बोल रहा है, ठीक है, 0-3 बोल रहा है। बस आगे पढ़ते चले जाते हैं, क्या करना है उसके बाद, क्या करना है, द ऑरिजिन इज मिड पॉइंट ऑफ द बेस, मतलब क्या बोल रहा है, इस बेस का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ऑरिजिन है। इसका मतलब क्या कि ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स आपको पता होता है 0-0 होता है, ठीक है, ये आपको पता है, ऑरिजिन हिंट दे दिया। इसका मतलब क्या कि मिड पॉइंट थ्योरम से इसके वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ठीक है। आगे फाइंड क्या करना है, हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ए आगे कहीं ए आएगा, इधर साइड आ जाए या फिर इधर साइड आ जाए मेरा, ठीक है। ए का वैल्यू फाइंड, ए और बी का क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, और आगे आगे हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, मतलब एक क्या बोल रहा है, रोम्बस फॉर्म हो रहा है, और तो डी फाइंड करना, बस इतना ही करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हम लोग को पता है, हम लोग को पता है ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस है। इसका मतलब क्या कि इस पे एक्स का जो ऑर्डिनेट होगा हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या कि हम लोग यहाँ पे 0 एज्यूम, मतलब लिख लेते हैं एक्स के वैल्यू को, ठीक है। चलिए, एक्स तो ऐसा हो गया, और ए किधर होगा, ए के लिए क्या करते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, ओरिजिन से इधर साइड हॉरिजॉन्टल जो जाता है, क्या होता है मेरा, एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। अब ट्राइंगल जब भी फॉर्म होगा या तो ऐसे फॉर्म होगा या तो ऐसे फॉर्म होगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, क्या कि ये मेरा पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वो जब भी फॉर्म होगा, ए कहीं पे मिलेगा, इधर मिल जाए या फिर इधर मिल जाए, तो इस मिड पॉइंट से ही, मिड पॉइंट के लाइन पे ही क्या करेगा, वो मीट करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं मेरा ए पॉइंट इधर है, ठीक है, इधर भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा बाद में, लेकिन फिगर से हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग बना के चलते हैं। ये मान लेते हैं क्या है मेरे पास, ए है, ठीक है। ए किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है। एक्स एक्सिस पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन 0-0 है और ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एक जब भी आएगा इधर मिडिल लाइन से ही क्या होगा, वो पास करेगा, ठीक है। तो ए वहां पे आ जाएगा। चलिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे बस एक्स का वैल्यू होगा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बस हम लोग यहाँ पे एक्स के लिए ए मान लेते हैं, वाई तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग वाई के लिए बी मान लेते हैं, ठीक है। काम खत्म, इसमें क्या करेंगे हम लोग, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और आसानी से बनाकर चलेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, लिखिएगा फॉर साइड बी सी, फॉर साइड बी सी, बी सी के लिए लगा रहे हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है। चलिए, एक्स एक्स देखिए, सब में 0 है, मतलब क्या कि एक्स ये 0 आएगा, मतलब 0-0, ये तो एक्स पता हम लोग को, ठीक है। वाई पे क्या होता है, एक्स 0 होता है, इसलिए एक्स पता है हम लोग को। वाई निकालना है, तो बस कुछ मत कीजिए, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड वाई टू, ठीक है। बीसी का निकालना, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एक्स वन वाई वन एज्यूम कर लेंगे, इसको एक्स टू वाई टू एज्यूम कर लेंगे। ये सब कहीं आपको लिखना नहीं है, ये दिमाग में लिखना है, ठीक है। चलिए, ये मेरा क्या है, x और y है, ठीक है। यहाँ से देखिए, y का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 पुट कर दीजिए, y1 कितना है, b है, और इसी का वैल्यू हम लोग को चाहिए b, तो b कर दीजिए प्लस साइन। y2 कितना है मेरे पास, -3 है, तो यहाँ पे -3 पुट कर दीजिए और डिवाइडेड y2 कर दीजिए। अब क्या कीजिए, 2 को इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 0 हो जाएगा इक्वल टू बी, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से बी का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो 3 को इधर कर दीजिए, तो +3 आ जाएगा। तो बस मेरा यहाँ पे बी का वैल्यू आ गया, मतलब जो बी है यहाँ पे कितना कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, बी की जगह कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो बस आंसर में लिख लीजिएगा, ये कितना आ जाएगा, बी कोऑर्डिनेट 0 और 3 लिख लीजिएगा, ठीक है। इतना आ गया, मतलब हम लोग को बी का मिल गया। अब हम लोग का एम क्या है, ए को फाइंड करना है, ठीक है।
तो ए के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के लिए कोई क्लू नहीं दिया गया, यहाँ पे क्या है मिड पॉइंट थ्योरम भी नहीं लगा सकते हैं, पर कोई रेशियो भी नहीं दिया गया जो कि हमें निकाल सके डायरेक्ट। तो इसके लिए क्या करना है, एक क्लू दे दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होगा, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे ए को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा सिंस ट्राइंगल एबीसी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो लिखिएगा हेंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ठीक है। कुछ मत कीजिए, किसी दो को इक्वल कर दीजिए, आपका वो वैल्यू आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं कर रहे हैं, ए बी इक्वल टू बी सी कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिएगा वाई डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है। चलिए ए बी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो ये ए आगे आ रहा है तो एक्स वन वाई वन ये हो जाएगा, और बी पीछे आ रहा है तो एक्स टू वाई टू ये हो जाएगा। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, रूट ओवर क्या होता है, ए बी के लिए लगा रहे हैं एक्स टू माइनस एक्स वन सिक्स ए में आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो इस कंडीशन में एक्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, तो जीरो पुट कर दीजिए माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए पुट कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर प्लस साइन, अब क्या होता है वाई टू माइनस वाई वन, तो इस कंडीशन में वाई टू ये हो जाएगा, वाई वन ये हो जाएगा, तो वाई टू कितना थ्री माइनस जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे बस कुछ मत कीजिए, थ्री माइनस जीरो का होल स्क्वायर कर लीजिए, इक्वल का साइन इक्वल दे दीजिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बीसी के लिए निकाल रहे हैं, तो बीसी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो बीसी के केस में क्या हो जाएगा, बी वाला एक्स वन वाई वन ये हो जाएगा, एक्स टू वाई टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आप लोग को पता है एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू कितना इस केस में जीरो, और एक्स वन कितना है जीरो, तो बस जीरो माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस साइन वाई टू, वाई टू कितना है माइनस थ्री, ठीक है, और वाई वन कितना है ऐसा, ठीक है। अब कुछ नहीं, ए का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से, बस सॉल्व कीजिए आसानी से। चलिए एक बात यहाँ पे देखिए, दोनों तरफ क्या है मेरे पास, दोनों तरफ रूट चढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या कि दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट को हटा सकते हैं। तो बस कुछ मत कीजिए, स्क्वायर करके दोनों तरफ रूट को हटा दीजिए, ठीक है, स्क्वायर करके दोनों तरफ रूट को हटा दीजिए, काम खत्म। अब सॉल्व कर दीजिए, जीरो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर ही होगा, तो स्क्वायर प्लस साइन है, तो थ्री माइनस जीरो थ्री, और थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, नाइन लिख दीजिए, इक्वल का साइन, जीरो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस साइन माइनस थ्री, माइनस थ्री माइनस सिक्स, और माइनस सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स हो जाएगा। तो बस यहाँ पे थर्टी सिक्स लिख दीजिए, तो ए स्क्वायर निकालना चाहे तो कितना आ जाएगा, थर्टी सिक्स माइनस नाइन, इसको ट्वेंटी सेवन लिख लेंगे, तो ए निकालना चाहेंगे तो प्लस माइनस रूट ओवर ट्वेंटी सेवन, और इसको सॉल्व कीजिएगा ट्वेंटी सेवन को, तो थ्री रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ट्वेंटी सेवन कर लीजिए थ्री, और यहाँ पे कितना नाइन, और यहाँ पे फिर से थ्री थ्री, ठीक है। जो पैर में लग जाता है वो बाहर निकल जाता है, जो अंदर रह जाता है पैर में नहीं निकलता है, वो फंस जाता है अंदर ही, ठीक है। चलिए मतलब क्या कि एक बार ए इधर आएगा, पॉजिटिव में अगर रहेगा, प्लस में रहेगा, प्लस थ्री रूट थ्री तो इधर साइड रहेगा, और माइनस में रहेगा तो वो उधर चला जाएगा, ये उठकर उधर चला जाएगा, ठीक है। अब इसी का आगे का जो पार्ट था, आगे का मतलब ए का जो ऑर्डिनेट हो जाएगा कौन कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले तो प्लस वाला लिख लेते हैं, ये हो जाएगा, और माइनस वाला हो जाएगा उधर जाएगा तो, ठीक है। चलिए अब इसी का आगे का पार्ट क्या बोल रहा है कि एक डी पॉइंट है, ये रोम्बस फॉर्म हो रहा है, तो डी फाइंड करना है। देखिए मेरे पास ये ट्रायंगल है, रोम्बस जब भी फॉर्म होगा तो कुछ इस टाइप का ऐसा ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है। अगर मान लिया जाए ए पॉइंट इधर है, तो रोम्बस डायरेक्ट इधर हो जाएगा अपोजिट साइड में, जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस उधर, इधर कितना डिस्टेंस था, कितना थ्री रूट थ्री है, तो उधर भी कितना हो जाएगा थ्री रूट थ्री, बट माइनस साइन के साथ। तो बस वही लिखेंगे फॉर ए, ए अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं ए, तो डी कितना आ जाएगा, डी तो उधर चला जाएगा निगेटिव में, जितना डिस्टेंस इधर उतना डिस्टेंस उधर, तो बस निगेटिव वाला लिख दीजिएगा, माइनस थ्री रूट थ्री और जीरो। अगर मान लिया जाए ए उधर साइड रहे, ये वाला वैल्यू कंटेन करे, तो डी इधर हो जाएगा, बस वही साइन चेंज करके। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर ए इक्वल टू माइनस थ्री रूट थ्री जीरो, तो डी कितना हो जाएगा, डी इधर आ जाएगा, ठीक है, मतलब थ्री रूट थ्री और जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही।